सच बताऊं तो मेरे को लगा था यार ये सरकारी फिल्म है, एडल्ट एडुकेशन के ऊपर फिल्म है कोई। जब दोबारा पढ़ा मैं तो मुझे लगा यार ये फिल्म पढ़ने वाली नहीं है, ये फिल्म है ना देखने वाली है। इसको पढ़ के वो फीलिंग नहीं मिलेगी जो देख के मिलेगी। मेरे घर में एक भाई है, पूजा नाम है उसका, सेम कहानी है उसकी। वो पढ़ती नहीं है, बच्चे को पढ़ा रही है, उसके लिए दिन रात भागती है, वो काम करती है, रोती भी है, मारती भी है उसको, और सब कुछ हमसे शेयर करती है। तो मुझे लगा यार ये कहानी मेरे लिए पढ़ने से ज़्यादा मैं पूजा के थ्रू देखने लगा। स्क्रिप्ट पढ़ के बिल्कुल ब्लैंक आया था। यहाँ आके सब हुआ है पहले दिन से। पहला दिन वो प्रेयर का सीक्वेंस था, कुछ बच्चे देर आ रहे हैं तो ये सबको हड़का रहे हैं, तो वहाँ अचानक मुझे लगा अच्छा डिसिप्लिन इनका बहुत कड़क है। वहाँ लगा कि यार फिजिकली बड़े एक्टिव आदमी होंगे। तो वही है कि मेरे लिए लोकेशन पे आना, उस जगह को देखना, उस ऑफिस को, उस स्कूल को, कॉरिडोर को, बच्चों को, तभी तो मैं तय करूँगा कि प्रिंसिपल कैसा होगा या वो कैसा स्क्रिप्ट ले रहा है। सर मैं ना आपको, मुझे आपको ज़्यादा ब्रीफ मिलता है। हाँ मत करिए, आप करिए, आपको गिनते पढ़ते लड़ते झड़ते दसवें में पहुँच गए। जैसे पूत के पैर पालने में बिक जाते हैं, वैसे ही दसवीं क्लास के रिजल्ट ये बता देते हैं कि आप लंबी रेस के घोड़ा बनेंगे या कच्चा। कंट्री मैन को दे रहे हैं, मतलब आप वार करना है। मैं बहुत हाँ उस रेंज पूरे विश्वासी हमें मरना है मारना है। आखिरकार आप लोग गिरते पड़ते दसवीं में पहुंच गए, और जैसे पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, ठीक वैसे ही दसवीं का रिजल्ट यह बता देता है कि कौन लंबी रेस का घोड़ा है और कौन है बच्चों, इस साल का हर घड़ी, हर लम्हा, हर क्षण, हर मिनट आपके लिए सोने से ज्यादा कीमती है। बच्चों जिसने इसका सदुपयोग किया वो बनेगा लंबी रेस का घोड़ा, और जो वेस्ट किया वो क्या बनेगा? अच्छा। तो आप लोग क्या बनना चाहेंगे? घोड़ा। Say it loud, घोड़ा, 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 घोड़ा। मैं थोड़ा सा डरा हुआ भी था हर दफे करते हुए कि यार कहीं ओवर द टॉप ना लगे, बहुत लाउड ना लगे, या वो कैरिकेचर ना लगे। जैसे भूत के पैर पालने में होते हैं, हाथ खिलाते हुए भी जैसे लग रहा था सच में भूत को खिला रहे हो ना, वो रियल करते हैं। आप दोनों इस यूनिट टेस्ट में पास हो। पंकज सर बहुत डेंजरस एक्टर हैं, क्योंकि वो कब किस शॉट में क्या करते हैं इसका कुछ पता नहीं रहता है। तो मैं जब इन्हें देखती हूँ अच्छा पीछे से शॉट है, क्योंकि मुझे हंसी आ रही होती है। तो इनके साथ काम करना बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। कंट्रोल ही नहीं हो रहा, मैं उनको देख नहीं रही हूँ इस शॉट कि वो क्या कर रहे हैं, फिर भी अगर उन पर नज़र चली जा रही है तो मेरी हंसी नहीं रुक रही है। दो शॉट हंसी के चलते खराब हो चुके हैं, सभी बच्चे हंस दे रहे थे। तुम तो इसी क्लास में रहोगे ना, चलो वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर विद अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, and Pankaj sir has taken every single opportunity and then given it back some more opportunity, and he's created a lovely beautiful character. I mean that character brings so much energy into the film, so much life into the film, so much humor and so much warmth. That's very nice. Shayad mera ek pehlu audience ko pehli baar dikhega ek thoda sa humor wala side, comical side jo log expect nahi karte hain. Bhai pehli baar main koi gaadi kisi film ke andar gaadi drive kar raha hu, mere haath mein pistol nahi hai. वो स्कूटर से आया और मैं पेपर का बंडल लेके आ रहा था। ये 8 सालों के करियर में 25-30 फिल्में हो गई, उसमें पहली बार शॉट में कुछ गाड़ी ड्राइव करते हुए मेरे हाथ में पिस्टल तलवार नहीं था, कागज़ का बंडल था। बड़ा सुकून लगा, अच्छा लगा। भूलता भटकता किसी मंजिल का हूँ रास्ता, घर से मस्जिद बहुत दूर है यार, चलो एक रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। सांसों का ये बस्ता कभी तो तबाह में पनाह कोई ढूंढता, दम बदम सवार। सर इज अ डार्लिंग, ही हैज एब्सोल्यूट नो हैंगअप्स अबाउट एनीथिंग। आप उनसे कुछ भी करवा लो बेचारे करते हैं। बख्श दे सलामती
यहाँ भी कोई जीता है। ये जो बीच सीन में मुझे हंसाते हो ना, बिकॉज यू नेवर नो कि वो किस टेक में क्या कर देंगे, कुछ एकदम ही कुछ अनएक्सपेक्टेड। तो अनलेस यू आर वेरी कॉन्सेंट्रेटेड एंड फोकस्ड ऑन योर पार्ट, आपको हंसी भी आ सकती है। मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ, अगर आपने मेरे क्लोजअप में ना, अगर आपने कुछ अननेचुरल इम्प्रोवाइजेशन किया ना, देख लेना आप। बट ही वाज लवली, इट वाज ग्रेट वर्किंग विद हिम। जो चश्मा आपने पूरी फिल्म में मेरे जेब में देखा है वो मैं लगा रहा हूँ, आप देख लीजिए वो कैसा है। ये देखिए इधर क्या है और इधर क्या है, कितना उल्लू बनाया इन लोगों ने।